हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अर्जुन बर्मन आज आपको ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आपकी आगामी यूपी टेट की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ये होता है हमारा शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर टू, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी, यानी कि किसी दूसरे अन्य से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, यानी कि जो ओजोन परत हमारी होती है, इस ओजोन परत में, ओजोन परत में जो ये ह्रास होता है, ये होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये होती है हमारी ओ। क्वेश्चन नंबर फाइव, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है वो क्या कहलाता है, वो होता है हमारा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भूपृष्ठीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे हम बोलते हैं, जो हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, हमारा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर सेवन, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है, ये होता है हमारा SO2। इससे क्वेश्चन याद आया, आप बताइए, जैसे कि हमारा ये ताजमहल है, ताजमहल का जो संगमरमर वाला पत्थर होता है वो ऊपर से काला पड़ रहा है, तो बताइए वो किस कारण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर एट, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर नाइन, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर टेन, बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। क्वेश्चन नंबर 11, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। क्वेश्चन नंबर 13, क्षमता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों से मिलता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक ये हमारे समानता के अधिकार में आते हैं, ये भाग नंबर 3 में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, सोख लेते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी उसकी अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, USSR। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक थे, सुभाष चंद्र बोस जी। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सब लोग जानते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था, ये था हमारा असहयोग आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है हमारा, मौलिक अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ये थे हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का
प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए यानी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? ये किया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 27, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये होता है हमारा शुक्र। अगर बात की जाए यहाँ पर बृहस्पति ग्रह की, तो ये बृहस्पति जो हमारा ग्रह होता है ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सौरमंडल का सबसे ग्रह कौन सा है? ये तो हमारा शुक्र रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो दोस्तों वो होता है हमारा नीम। क्वेश्चन नंबर 29, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ये हमारे पंचायती राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? यह है यूप्लेक्टेला। क्वेश्चन नंबर 32, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी को हम क्या बोलते हैं? एलपीजी को बोलते हैं लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, यानी कि दूसरी श्रेणी का? ये क्वेश्चन मैं बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका मुझे आप आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ये सब लोग जानते हैं, इसका आंसर रहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 35, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स बताइए क्लास कैसी रही, सब लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।